सबसे पहला टिप, नाइट फोटोग्राफी के मतलब ये नहीं है कि आप लोग अंधेरा में शूट करो। अगर बैकग्राउंड में कुछ लाइट होगा तो आपका जो इमेज है और वो और भी अच्छा होगा। बाकी टिप्स जानने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और लास्ट में एक बोनस टिप भी है। सो दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू कुणाल चकलादार फोटोग्राफी। हम जो बिगिनर्स लोग होते हैं उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है नाइट फोटोग्राफी में कि हम लोगों को नॉलेज नहीं होता, तो इसलिए हम लोगों का जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह के आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि नाइट फोटोग्राफी में आप लोग किस तरह से सेटिंग्स रख के फोटो खींच सकते हैं। नाइट फोटोग्राफी करने के लिए कुछ टिप्स हम लोगों को याद रखना पड़ता है। जो पहला टिप है वो तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। जो सेकेंड टिप है वो है आप लोगों को एक प्राइम लेंस यूज करना पड़ेगा। 35 की, 550 mm की, 85 mm, क्योंकि प्राइम लेंस में हम लोग एपर्चर 1.8, 1.2, 1.4 या 2.2, 2.8 ऐसे रख सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को एम्बियंस भी आए और उसके साथ बैकग्राउंड में जो है वो पूरा ब्लर हो तो फोटो और भी देखने अच्छे लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, हम लोगों को फ्लैश यूज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हाई एंड फ्लैश हो, अगर आपके पास बेसिक लेवल का कोई फ्लैश है तो आप लोग वो भी यूज कर सकते हो, उतना पावर के फ्लैश नहीं लगेगा। तो हम लोग फ्लैश क्यों यूज करेंगे? फ्लैश यूज करेंगे सब्जेक्ट को फ्रंट से लाइट डायरेक्ट करने के लिए, नहीं तो सब्जेक्ट पूरा डार्क आएगा और सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा लाइट आएगा अगर फ्लैश नहीं यूज करो तो। टिप नंबर जो 4 है वो ये है कि अगर आप लोग का कैमरा में इन बॉडी स्टेबिलाइजेशन है तो आप लोग वो ऑन करो, क्योंकि काफी काफी टाइम में हम लोगों को शटर बहुत नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि एम्बियंस को ज्यादा कैप्चर करने के लिए हम लोग को शटर नीचे रखना पड़ता है। अगर आप लोगों को आप लोग का कैमरा में इन बॉडी स्टेबिलाइजेशन नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपका जो फोकल लेंथ है मानिए 35 mm की, 50 की, 1 की, 85 mm, तो उसके लिए आप लोग शटर स्पीड को रखो 1/2 आपका जो फोकल लेंथ है इंटू 2। मतलब अगर आपका फोकल लेंथ 50 mm होगा तो आप शटर स्पीड रख सकते हो 1/100 ताकि आप लोगों को जो इमेज वो शेक ना करे। अगर आप लोगों का प्रैक्टिस खूब अच्छा है तो आप लोग 1/50 में भी रख सकते हो, अगर मतलब 1/1 फोकल लेंथ में भी रख सकते हो अगर आप लोग का हैंड शेक नहीं करता है। अगर शेक करता है तो 1/100 पे रखो। तो अगला जो टिप है वो है एम्बियंट के साथ फ्लैश को बैलेंस करना। नाइट फोटोग्राफी में एम्बियंट के साथ फ्लैश को बैलेंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हम लोगों को एम्बियंस में दिखाना पड़ता है, साथ ही साथ सब्जेक्ट को भी ओवर एक्सपोज नहीं दिखाना चाहिए। तो ये दोनों बैलेंस करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अगर हम लोगों को ठीक से नॉलेज नहीं होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शटर स्पीड को 1/200 से, उसके ऊपर हम लोग शटर स्पीड नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर उसके ऊपर भी शटर स्पीड रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो इमेज का जो सब्जेक्ट है उसका जो बैकग्राउंड में जो लाइट है, जो एम्बियंस लाइट है, वो पूरा कट जाएगा और पूरा बैकग्राउंड डार्क होगा। तो उसके ऊपर नहीं रखेंगे। अगर 250, 320 या पर भी ठीक है, अगर 400, 1/400, 1/640 ऐसे रखोगे तो बैकग्राउंड डार्क होता चला जाएगा, तो वो वाला पिक्चर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम लोग 1/200 से स्टार्ट करेंगे, ये स्वीट स्पॉट है। और कुछ कुछ सिनेरियो में आप लोग 1/100 भी रख सकते हो, 1/50, 1/60 नीचे रख सकते हो। अगर ये डिपेंड करता है आपका लोकेशन पे एम्बियंस कितना है उसके ऊपर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1/200 से। उसके बाद हम लोग एपर्चर को सिलेक्ट करेंगे, डेप्थ ऑफ फील्ड। तो मैं इस वाली इमेज के लिए डेप्थ ऑफ फील्ड सिलेक्ट किया हूँ f2.2, ताकि जो पीछे का जो बैकग्राउंड में जो लाइट है वो बुके इफेक्ट की तरह मिले और साथ ही साथ सेंसर पे भी थोड़ा बहुत एम्बियंस लाइट आए। तो उसके बाद मैंने ISO को 100 ही रखा, ये मेरा बेसिक स्टार्ट पॉइंट है। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा एम्बियंस लाइट थोड़ा कम लग रहा है, तो उसके लिए मैं ISO को 100 से 200 किया हूँ ताकि थोड़ा और एम्बियंस आए। तो 100 से 200 करने के बाद मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा और एम्बियंट एक्सपोजर को सेंसर पे आना चाहिए, पिक्चर में दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं एपर्चर को एक्स्ट्रा कमा दिया 2.2 से 2 और ISO को 200 से 400 तक ले गया। तो मेरा एम्बियंट एक्सपोजर सेट है। देन लाइट को ऑन करना पड़ेगा,
लाइट को ऑन करने के बाद हम लोग को लाइट के पावर 1/128 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने 1/128 पे रखने के बाद जो फ्लैश एक्सपोजर पाया सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें मैं देखा कि सब्जेक्ट थोड़ा ओवर एक्सपोज हुआ है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्लैश को तो और नीचे नहीं ले सकते, फ्लैश का पावर तो और नीचे नहीं ले सकते क्योंकि ये मिनिमम पावर है, तो हम लोग को एपर्चर और आईएसओ के साथ खेलना होगा क्योंकि शटर स्पीड तो फ्लैश एक्सपोजर के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता है, तो हम लोगों को एपर्चर और आईएसओ के साथ खेलना होगा। तो मैंने अगले स्टेप का क्या किया, मैंने एपर्चर को 2 से 2.2 कर दिया और आईएसओ को 400 से 250 तक ले आया। तो इस सेटिंग रखने के बाद भी मेरा जो इमेज है वो फिर भी ओवर एक्सपोज थोड़ा दिख रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आईएसओ को और कम कर दिया 250 से 160। उसके बाद आप लोग जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया। तो बोनस जो टिप है वो ये है कि आप लोग मोबाइल का फ्लैशलाइट यूज़ करो सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। काफ़ी काफ़ी सिचुएशन में कैमरा सब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम लोग मोबाइल का जो फ्लैशलाइट है वो यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। मोबाइल का फ्लैश सब्जेक्ट के ऊपर डालकर सब्जेक्ट को फोकस करो, फिर मोबाइल का फ्लैश ऑन ऑफ कर दो और उसके बाद आप लोग क्लिक करो। और एक टिप, अगर आप लोग फ्लैशलाइट नहीं कैरी किया हो तो आप लोग उस वाले लोकेशन पे अगर कोई लाइट सोर्स होगा उसको आप लोग की लाइट की तरह यूज कर सकते हो। मैंने इस वाले फोटो में सब्जेक्ट के राइट साइड से देखा कि एक की लाइट की तरह यूज कर सकते हैं, तो मैंने सब्जेक्ट को उस जगह पे प्लेस किया हूँ और सब्जेक्ट का फेस मैंने लाइट के तरफ रखा हूँ ताकि जो सब्जेक्ट का फेस है वो ठीक ठाक एक्सपोज हो। तो उसके बाद मैंने क्या किया, आप लोग भी कर सकते हो कि आप लोग एपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज कर सकते हो। मैंने एपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज़ किया हूँ और मैंने एपर्चर को 2.2 और आईएसओ को 160 में रखा और शटर स्पीड अकॉर्डिंग टू द एम्बियंस ऑटोमेटिक कैमरा सिलेक्ट कर लेंगे। तो कैमरा मैंने ऑटोमेटिक में 1/30 सिलेक्ट किया है। तो मैंने जो कैमरा यूज़ किया हूँ वो निकॉन का Z6 कैमरा है और इन बॉडी स्टेबिलाइजेशन है, तो इसलिए मुझे जो हैंड का शेक प्रॉब्लम होगा तो वो नज़र नहीं आएगा। अगर आप लोगों के पास इन बॉडी स्टेबिलाइजेशन कैमरा नहीं है तो आप लोग एपर्चर को और कम कर सकते हो, 1/8, 1/4 अगर लेंस है तो आप लोग 1/8 की तरह रख सकते हो, आईएसओ को 400 पे रख सकते हो। तो जो जो टिप्स बताए हो उस टिप्स को फॉलो करके आप लोग ज़रूर रिजल्ट पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नया हो तो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक वीडियो के साथ। बाय।